हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन सिंह और आपका स्वागत करती हूं सिंह गुंजन चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स, है ना यमी और टेस्टी पराठा और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इसको आप मीठी चटनी या फिर तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम बहुत ही स्पेशल पराठा बनाने वाले हैं और मिक्स वेज से हम पराठा बनाएंगे। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो उसका फाइनली चॉप करके इसका पराठा बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक आलू को कद्दूकस करके लिया है, आलू है ये, और मैंने एक गाजर लिया है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। ये पत्ता गोभी है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। ये एक प्याज लिया है मैंने बारीक काट के, और ये चुकंदर है, बीटरूट, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये थोड़ा सा पनीर है, इसको भी मैंने कद्दूकस करके लिया है, और हरी मिर्च ली है मैंने। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसके लिए देखिए, हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इसमें हम सारी सब्जियों को ट्रांसफर करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये सारी सब्जियों को मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है, और इसमें हरा धनिया डालेंगे अब हम। इसमें टेस्ट के लिए हम ये चाट मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। और फिर इसमें अब हम ये देखिए, मैंने ये पाव भाजी मसाला लिया है, हम इसको डालेंगे, 1.5 चम्मच हमको इसको डालना है। तो बस पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप जीरा का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें इसमें। तो लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बच्चों को खाना हो तो तीखा कम करें। और फिर हम इन सारी सब्जियों को एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स आपको फिक्स नहीं है कि आप कौन सी सब्जियां यूज कर रहे हैं, और जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप उसको कद्दूकस करके ले सकते हैं। और ये इतना हेल्दी है फ्रेंड्स कि बच्चों को तो देना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे सारी सब्जियां खाते नहीं हैं, तो उनको हम ऐसे मिक्स पराठा देंगे तो सारी सब्जियों का उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा और बच्चे बहुत पसंद से खा भी लेंगे, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने देखिए आटा गूंथ के रखा हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा है ये, इसको मैंने 10 मिनट पहले गूंथ के रख लिया है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम बड़ा लोई लेंगे, क्योंकि इसका पराठा थोड़ा सा बड़ा ही बनता है। और अब ये देखिए इतना आटा लिए हैं हम, ये गेहूं का आटा है, बिल्कुल सॉफ्ट हमने गूंथ लिया है, और 10-15 मिनट इसको हमको सेट होने के लिए रख दिए हैं। तो हम इस बॉल को चिकना कर लेंगे और इसमें सूखे आटे की हेल्प से इसको हम बेलेंगे। ये पराठा थोड़ा सा बड़ा ही बनता है फ्रेंड्स, तो आप इसको बड़ा बनाएं। ये देखिए, मैंने पूरा फुल साइज का पराठा बना लिया है, इसमें अब हम स्टफिंग को भरेंगे। आप स्टफिंग में नमक टेस्ट कर लें फ्रेंड्स, अगर कम हो तो और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हम ज्यादा स्टफिंग रखेंगे इसमें। इसमें जो भी सब्जियां आपको नहीं पसंद हो फ्रेंड्स, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, और जो पसंद हो सब्जियां उसको डाल लें। तो देखिए, हमने स्टफिंग 3 चम्मच स्टफिंग को डाला है, इसको देखिए हमको कैसे रोल करना है। एक साइड से हम उठाएंगे और हम ऐसे पूरा इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको बंद कर दिया पूरा, ये पोटली का शेप ले लिया है। और इस ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आटा है हम उसको निकाल देंगे, ये देखिए, और इसको हम चिकना कर लेंगे। और इसमें सूखा आटा हम लगा के इसको बेलेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर ये पराठा फट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जियां ज्यादा हैं तो ये पराठा फट सकता है, कोई
कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा इसको। अभी हम आपको इसको सेक के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक और हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये हम बड़ा सा बॉल लिए हैं और इसकी मोटी रोटी तैयार कर लिए हैं। इसमें हम स्टफिंग रखेंगे, स्टफिंग को थोड़ा ज्यादा ही रखें फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। और स्टफिंग रख के हम बीच में ऐसे एक साइड से उठाएंगे, ऐसे हम मोड़ते हुए इसको क्लोज कर लेंगे सारा। इस तरीके से अगर आपको पराठा नहीं भरने आता फ्रेंड्स, तब भी आपका पराठा बन जाएगा। ये देखिए बन गया है। इसमें अब हम सूखा आटा लगा के इसको बेलेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इजी पराठा है, लेकिन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सूखे आटे की हेल्प से इसको बेल लें। देखिए बेल लिए हैं, इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना है फ्रेंड्स। देखिए इसकी थिकनेस ये है। तो चलिए हम इसको अब सेकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तवा गरम हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल में भी पराठे को सेक सकते हैं। तो इसमें घी थोड़ा ज्यादा लगता है फ्रेंड्स, तो आप 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी डाल दें। अब हम पराठे को बहुत ही सावधानी से हम रखेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम से हम सेकेंगे फ्रेंड्स। इस पराठे को फ्रेंड्स बिल्कुल हमको क्रंची सेकना है, इसलिए हम घी का ज्यादा यूज किए हैं। घी में हम सेकेंगे तो बहुत ही क्रंची होगा ये पराठा। और फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि अभी पराठे का तो बिल्कुल जान बाकी ही है। आपको हम सर्व करके दिखाएंगे। इसका सर्विंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स, तो आप जरूर वीडियो को देखें एंड तक। तो देखिए एक साइड से पराठा हो गया है, इसको हम टर्न कर देंगे। और इसमें घी है फ्रेंड्स, तो इसलिए आहिस्ते से आप टर्न करें, नहीं तो घी का छींटा आपके ऊपर पड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है पराठे का, और वेजिटेबल्स भी फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है इसके ऊपर। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पराठा इतना टेस्टी लगता है और इतना हेल्दी होता है, स्पेशली तो बच्चों को आप दे सकते हैं इसको। और अब हमें इसमें घी डालने का जरूरत नहीं, दोनों साइड से इसी घी से पराठा सिक जाएगा और घी लग जाएगा अच्छे से। एक बार फ्रेंड्स ये पराठा अगर आप बना के खा लिए ना, तो यकीन मानिए आप जरूर दोबारा बनाएंगे। फ्रेंड्स जनरली ये पराठा फूलता नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का यूज किया है और बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें सब्जियां भरे हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमको इसको ज्यादा फुलाना भी नहीं है, हमको इसको कट करना है। और बिल्कुल कुरकुरा ये पराठा बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स। हम ऐसे ही दूसरा पराठा आपको सेक के दिखा देते हैं। इसमें सबसे पहले हम घी डालेंगे। पहले हमको पराठा नहीं डालना है, पहले हमको घी डालना है और फिर आहिस्ते से हमको पराठे को रख देना है। और जब तक हम इसको सेक रहे हैं, हम आपको एक सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमको किसी प्लेट पे रख देना है पराठे को, और अब हम इसको कट करेंगे। आप चाकू की हेल्प से भी इसको काट सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी होता है। आपने ऐसा पराठा तो नहीं खाया होगा, आप जरूर इस पर इसको ट्राई करें। और ये देखिए हम इसको ओपन कर देंगे। इसकी सर्विंग अभी बाकी है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए अभी हम इसमें क्या करते हैं। आहिस्ते से हम इसकी सारी लेयर्स को खोल देंगे। बिल्कुल देखिए, पराठा हमने खोल दिया है, इसकी स्टफिंग बिल्कुल दिख रही है। कितना अच्छा है पराठा, रिच है बिल्कुल। और देखिए मैंने पनीर के टुकड़े को बचा लिया था कुछ, अब हम इसको कद्दूकस करेंगे इस पे। ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा बिल्कुल रेडी है। आप इसको प्लेट में सर्व कर लें, और चाहे तो आप प्लेट में भी डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम सारे पराठे को सेक के सर्व कर लेंगे। ये स्पेशल पराठा है, और मेरे आप इसको चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।